हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन। इसके लिए हमें चाहिए गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। इसको अच्छे से धुल के कद्दूकस कर लेंगे। पत्ता गोभी को हम कद्दूकस कर लिए हैं और इसका पानी सारा निकाल लिया। अब इसमें हम गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और ये लहसुन की पत्तियाँ हैं वो डालेंगे और ये प्याज थोड़ा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा यूज़ करें क्योंकि ग्रेवी में भी हम सब मिक्स करेंगे। थोड़ा इसमें मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च कटी हुई। आपको जितना पसंद है उतना डालें, ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम तो कम डालें। अब हम इसमें आरा रोट या फिर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और वो भी नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको बाइंड करने के लिए ये डाला जाता है ताकि अच्छे से गूंथ जाए। अब मिक्स करेंगे। हम थोड़ा इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे और थोड़ा कलर लाने के लिए इसमें हम थोड़ा फूड कलर डाल रहे हैं हल्का सा लेके पानी में थोड़ा। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और तल लेना है। हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसका छोटा छोटा बॉल बना के तल लेंगे रिफाइंड ऑयल में। छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। इसको हमें कम आँच पे फ्राई करना है ताकि अंदर से पक जाए। हम ग्रेवी बनाने के लिए ये रखे हुए हैं कढ़ाई, जिसमें मैंने तेल डाला हुआ है, प्याज डाला हुआ है और लहसुन डाला हुआ है। इसके बाद हम लोग इसमें ये डाल देंगे और हम लोग ग्रेवी का फ्राई करके उसके बाद हम लोग इसमें बॉल डालेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर डाल देंगे। आप अपने अनुसार फ्राई का जितना मटेरियल डालना है डाल सकते हैं। ये मैंने मसाले को पानी में घोल लिया है, मैंने मंचूरियन मसाला यूज़ किया हुआ है, इसको हम लोग अपनी ग्रेवी में डाल देंगे। अभी ये ग्रेवी आपको कितना गाढ़ा करना है हल्का करना आपके ऊपर है। ये मैंने कॉर्नफ्लोर को घोल लिया है मसाले को और गाढ़ा करने के लिए, आप भी डाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं डालना है तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मसाला ऑलरेडी डाला हुआ है। देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, इधर मेरा बॉल भी तैयार हो रहा है। अब इसमें हम लोग अपने स्वाद अनुसार चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, टोमेटो सॉस डालेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस, विनेगर डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा विनेगर डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा, अपने स्वाद अनुसार डालिए। और ये मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, तीखा आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मेरी फैमिली को मीठा पसंद है इसलिए मैं टोमेटो सॉस ज़्यादा डालती हूँ और आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ग्रेवी लगभग गाढ़ा हो चुका है। अब ये जब तक इधर पकता रहेगा उधर बॉल मेरा तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसमें बॉल डाल के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। ये देखिए मैंने बॉल डाल दिया हुआ है, अब ये बॉल टूटेगा नहीं क्योंकि मैंने कम आंच किया हुआ है। इसको थोड़ा सा और आप पकाएंगे और ये हमारा मंचूरियन रेडी हो जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।